8 हमारे दुश्मन हैं और 8 हमारे मित्र हैं, उनको पहचान लो, भला हो जाएगा, बोला बाबा के वचन है। अपने आश्रम की आत्मगुंजन नाम की पुस्तक में लिखे हुए हैं वचन, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं। आश्रम की आत्मगुंजन नामक एक पुस्तक है, छोटी सी, बड़ी सुंदर है, भोला बाबा के शब्द लिखे हुए हैं उसमें पद्य के रूप में। तो 8 शत्रु उसमें बताए और 8 मित्र बताए। 8 दुश्मन कौन कौन से हमारे? पहला लोभ बताया, दूसरा दुश्मन बताया दर्प, दर्प माने घमंड, दर्प माने घमंड। घमंड और अभिमान में थोड़ा फर्क है, समझ लो। अभिमान पद का, प्रतिष्ठा का, संपत्ति का होता है, घमंड मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, घमंड। तो व्यक्ति दर्प को अपना शत्रु माने, घमंड को न करे, काम को अपना शत्रु माने। भोला बाबा कहते हैं, रह लोभ से अति दूर ही जा, दर्प के तू पासना बच काम से, तीसरा शत्रु, और क्रोध से, चौथा शत्रु क्रोध, गुस्सा, बात बात में गुस्सा करना। ऐसे लोगों को सोमवार को उपवास करना चाहिए, या भूखा न रह पाए तो फिर शाम को जब चंद्रमा उदय हो तो चंद्र का दर्शन करके फिर खा ले, कि अब मैं अपना स्वभाव सौम्य शांत बनाऊं, चिड़चिड़ापन दूर करूं, मिर्ची खाना कम करूं। कई लोग ऐसे होते हैं तीखा खाते नहीं है, अरे अरे हम तो मिर्ची नहीं खाते, लाल मिर्ची से हमको एलर्जी है, हरी मिर्च हम नहीं खाते, पर तीखा बोलने में जरा भी पीछे नहीं पड़ते। तीखा बोलते खूब है, तीखा खाते नहीं है। और कई लोग मीठा खाते खूब है पर मीठा बोलते नहीं है, तो फिर डायबिटीज हो जाती। मीठा खाओ, मीठा बोलो भी। जरूरी है तो बच काम से और क्रोध से, कर गर्व से सहवास ना, गर्व के साथ सहवास न करो, मित्रता न करो, नम्रता। आलस्य मत कर भूल भी, आलस्य दुश्मन है। जल्दी सुबह 5 बजे आंख खुल गई पर बोले रे ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, इसमें फिर गुजराती भाषा में बोलना पड़ेगा। गुजराती लोग ऐसा बोलते हैं, हाडका में ठंडी पैसी गई, मतलब हड्डियों में ठंडी घुस गई है। अब हड्डी में ठंडी कैसे घुस जाएगी? फिर बोलेंगे जरा चाय लाओ, गरम गरम सवारे चाय, सुबह चाय पीऊं? नहीं, 5 बज गए, चलो भाई अब उठना जरूरी है। सुबह 5 के बाद सोना मानो घर आई लक्ष्मी को ठुकराना है। गुजराती में कहावत है, लक्ष्मी चांदलो करवा आवे नवे के मारे मोढ़ू धोवा जाऊ। लक्ष्मी तिलक करने आई है कि बेटा अब मैं तेरे घर आ रही हूं, पर बोले माता जी ठहरो मैं जरा मुंह धो के आता हूं। अरे लक्ष्मी आ गई, मुंह धोने जा रहा है, आग लगी कुआं खोदने जा रहा है, ना समझे। 5 बज गए बस, बोले अब 5 के बाद सोना अपराध है, कैसी भी ठंडी क्यों ना हो। 5 बज गए, उठो, हाथ मुंह धो, मानसिक जप करो, फिर बोले 6 बजे नहाओ। अपना जीवन क्रम उस साधारण व्यक्ति की अपेक्षा हम थोड़ा ऊंचा उठाएं। कई साधक ऐसे भी हैं, मैं जानता हूं, 3 बजे उठकर नहाकर अपना नियम करके 6 बजे तो अपनी काम पर चले जाते हैं, दूर दूर जाना पड़ता है इसलिए, विदेशों में ऐसे कई हैं। 4 बजे तक तो उनका नियम पूरा हो जाता है जप ध्यान का, 4, 4:30 तक, ऐसे भी साधक मैंने देखे। तो मैं ऐसा तो नहीं कहता 3 बजे उठो, 3 बजे उठकर मैं भी नहीं नहाता हूं तो आपको क्यों बोलूंगा। 5 बजे के पहले बिस्तर छूट जाना चाहिए। आलस्य मत कर भूल भी, आलस्य शत्रु है। ईर्षा न कर मत्सर न कर, ईर्षा शत्रु है, मत्सर शत्रु है, दाह, किसी की संपत्ति, किसी की प्रतिष्ठा देखकर जलना है। 8 ये वैरी प्रबल, इन वैरियों से भाग कर, इनसे दूर है। अब 8 मित्र बताते हैं, 8 हमारे दोस्त हैं, इनसे मैत्री करो।
विश्वास से कर मित्रता, विश्वास, विश्वास से कर मित्रता, श्रद्धा सहेली ले बना। श्रद्धा मित्र है, श्रद्धा बड़ा है। प्रज्ञा तितिक्षा को बढ़ा, अपनी बुद्धि को, बौद्धिक शक्ति को बढ़ाए। तो बोले कैसे बढ़ाए, सारस्वती मंत्र जप करें। बुधवार को एक टाइम उपवास कर सके तो करें। सुहागन स्त्रियों को ज्यादा उपवास नहीं करना चाहिए, बहनें ध्यान देना, माताएं, सुहागन स्त्री को ज्यादा उपवास नहीं करने चाहिए। मैंने बुजुर्ग संतों से सुना है, सुहागन स्त्री ज्यादा उपवास करती है तो उसके पति की आयु कम होती है। पति भले करे, अच्छा है, फायदा होगा, सुहागन स्त्री न करे, पति देव करे, अच्छा है, तबीयत अच्छी रहेगी, जरूरी है। प्रज्ञा तितिक्षा को बढ़ा, अपनी बुद्धि शक्ति को बढ़ा, तितिक्षा को बढ़ा। कष्ट आए तो कोई बात नहीं, हरिओम तत्सत, बाकी सब गप सब। हर हाल में खुश रहना। प्रिय न्याय का कर त्याग ना, प्रिय न्याय, न्याय के पक्ष में रहे। झूठी गवाही देकर, झूठी बात कहकर उसके उसमें न रहे। प्रिय न्याय का कर त्याग ना। गंभीरता, प्राउडता, चंचल बहुत होते हैं कई लोग, मौन नहीं रख पाते हैं, बोल 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 चालू ही रखते हैं। गंभीरता, प्राउडता, चलते जा रहे हैं तो दृष्टि इधर उधर, ये क्या है, ये क्या, इधर क्या, उस क्या, गंभीरता। शुभ भावना, मन में शुभ भाव और धैर्य का सम्मान कर। धैर्य, धीरज। महाराष्ट्र नांदेड़ में एक बहन मिली मुझे, बोले जब मैंने दीक्षा ली थी ना तब मेरे सिर पर 25 लाख रुपए का कर्जा था, और बोले आज एक पैसे का कर्जा नहीं मेरे सिर पर। कुमारी, कन्या अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई, उसके पिता गुजर गए, माँ है, एक भाई है, बोले अभी हमारे सिर पर एक भाई का कर्जा नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग, निषेधात्मक चिंतन नहीं। निषेधात्मक विचारों का परिणाम हमेशा ध्वंसात्मक होता है। निषेधात्मक कभी मत सोचो। गंभीरता, गंभीरता मतलब उदासी नहीं, प्राउडता, गंभीरता का अर्थ परिपक्वता, व्यवहार कुशलता कह दो। कई लोग चालाक होते हैं, व्यवहार कुशल नहीं होते। चालाकी से सामने वाले को धोखा देकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, परंतु भोला बाबा कहते हैं गंभीरता, शुभ भावना और धैर्य का सम्मान कर है 8 सच्चे मित्र ये। विश्वास, श्रद्धा, बुद्धिमानी, तितिक्षा, न्याय, गंभीरता, शुभ भावना, ये मित्र हैं। इनको सदैव अपने साथ रखें, इनको छोड़े नहीं। इनको छोड़ने से सारी गड़बड़े शुरू हो सकती है, सावधान।